आज का वीडियो सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम मॉडर्न इंडिया के वो 100 एमसीक्यू कवर करेंगे जो हर एक एग्जाम में रेपिटेटिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। और अगर आपने इस पूरे वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा, वनडे एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो मॉडर्न इंडिया के मिलेंगे वो आपको इसी वीडियो से मिलेंगे, क्योंकि इसको बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के बाद बनाया गया है डिफरेंट एग्जाम्स के एनालिसिस के बेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी देखते रहिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं इन 100 एमसीक्यू में से, जो कि पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया पर बेस्ड है। पहला प्रश्न है, वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 28 दिसंबर सन 1885 की बात है, जब अंग्रेज एक अंग्रेज अधिकारी हैं A.O. ह्यूम, इनके माध्यम से कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और जब ये स्थापना की गई उसके बाद इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता W.C. बनर्जी को सौंप दी थी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस की अध्यक्षता सौंप दी थी। इसलिए कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ में हुई थी? बहुत बार प्रश्न पूछा गया, तो टोटल 72 प्रतिनिधियों के साथ में। कहां पर? बॉम्बे में, यानी मुंबई में, उस वक्त तो बॉम्बे बोलते थे, मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 3 है, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन था, और इसी ने बंगाल विभाजन किया था। और अगर सन पूछा जाए तो बताइएगा, सन 1905 की बात है जब वायसराय था लॉर्ड कर्जन, इसने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन हुआ क्यों था? देखिए, उस वक्त की बात है जब आंदोलनकारी काफी तेजी से अपने आंदोलन चला रहे थे देश को आजाद कराने के लिए, और उनके अंदर देश प्रेम की भावना उमड़ रही थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एक हो गए थे और देश से अंग्रेजों को भगाने का प्रयत्न कर रहे थे। तभी की बात है, उस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावशाली एरिया बंगाल हुआ करता था। अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना इनके दिलों में दरार डाली जाए, और उसके लिए जरूरी है यहां पर भूमि में दरार डालना। वही इन्होंने किया, एक पार्ट में दरार डाल दी जिससे लोगों के दिलों में भी दरार पड़ जाए। तो ये एक सोची समझी रणनीति थी अंग्रेजों की भारतीयों को आपस में लड़ाने की, और यही कारण था बंगाल विभाजन का। अगला प्रश्न लेते हैं, किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खान ने की थी? बहुत बार पूछा गया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, कहां हुई थी, किसने की थी, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो 1906 में सलीम उल्लाह खान ने, कभी कभी आपको ऑप्शन में आगा खां, ठीक है, आगा खां और सलीम उल्लाह खां भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। और अगर सलीम उल्लाह खां ना मिले तो आगा खां मिलेगा ऑप्शन में, तो भी आप टिक मार देना, ठीक है। कहां हुई थी स्थापना? अगला प्रश्न लेंगे उससे रिलेटेड, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी। कहां हुई थी? ढाका में। देखिए, उस वक्त बंगाल हुआ करता था, ठीक है, बाद में विभाजन किया गया था। और जब विभाजन किया गया था, जो बांग्लादेश वाला पार्ट था जिसकी राजधानी ढाका आप देख रहे हैं अभी, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, उस वक्त जो था, जब फाइनली जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, तो जो बांग्लादेश वाला पोर्शन था ना, वो किसके हिस्से में आया था? पाकिस्तान के हिस्से में आया था। बाद में उसको आजाद कराया गया था और बाद में वो बांग्लादेश बना था। हालांकि ये सब स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको नहीं पता कुछ चीजें हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी, याद रखना, बहुत पूछा गया ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था? ये था सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन कांग्रेस का था। ये सन 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, और इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जो के दो नेता थे उनमें विवाद हो गया था, और नरम दल और गरम दल जो थे वो अलग हो गए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर पूछ लिया जाए तो आप बता दो, आराम से बताना, रास बिहारी घोष। क्या बताओगे? रास बिहारी घोष। और कहीं से रास बिहारी बोस अगर आपको ऑप्शन में दिखा मिले, इसको टिक मत करना, रास बिहारी घोष को टिक करना। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज है जो कि आपको दे देता हूं। टेक्स्ट बुक पर एंड ऑफ सीजन सेल शुरू हो चुकी है, और ये सेल चलने वाली है 28 से लेकर के 30 सितंबर 2024 के बीच में। इस सेल में जो 699 रुपए का टेक्स्ट बुक का पास प्रो होता है वो अभी आपको मिल जाएगा जस्ट 395 रुपए
इंडिया में अगर आप मेरा कूपन कोड ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो कूपन कोड ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद ही आप इस डिस्काउंट का एडवांटेज ले पाएंगे। देखिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने हमेशा रिकमेंड किया है कि आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि आपको एक रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाता है और आप एग्जाम में पैनिक नहीं करते हैं। वैसे टेस्ट बुक पर सब्जेक्ट वाइज, प्रीवियस ईयर और टॉपिक वाइज हर तरह के मॉक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट को ही लगाएं, क्योंकि ये आपको रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस देते हैं और टेस्ट बुक पर सारे ही प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां पर क्लिक करके आप टेस्ट बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और जब कूपन कोड लगाना होगा तो वहां पर आप लगाएंगे ट्रिक, TRIC के ट्रिक, तो ये आपको डिस्काउंट का फायदा मिल जाएगा। और ध्यान रहे ये सेल सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर तक ही है, उसके बाद अगर आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर दोबारा कब शुरू होगी तो मैं आपको कोई सही जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो यही सही समय है, आप इस डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? मैंने आपको बताया भी था 1907 की बात है, भूल बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो मैं सीधी सी बात बोलता हूं 1907, सात से सात और सात से सूरत अब भूल के दिखाना। तो 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था और यही वो अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल का विभाजन हो गया था। प्रश्न नंबर 8 है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने आपको बताया भी है, अभी बताया था, रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की है। किसने की? रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? यह वर्ष 1909 की बात है जब सांप्रदायिकता को लीगलाइज किया गया था, यानी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाने के लिए, एग्जैक्टली मैं बोलूं सीधे शब्दों में तो यह एक्ट पारित किया गया था, यानी सांप्रदायिकता को एक तरीके से वैधानिक चोला पहना दिया गया था। इस पार्लियामेंटो एक्ट में इन्होंने ऐसा किया था कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां का जो नेता होगा वो मुस्लिम होगा, और जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं वहां का जो एग्जैक्ट नेता होगा वो हर हाल में हिंदू ही होगा। अब मुस्लिम वाले जो इलाका होगा, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा, वहां कुछ हिंदू भी तो निवास करते हैं, और जो हिंदू बाहुल्य इलाका होगा वहां पर कुछ मुस्लिम भी निवास करते हैं। तो अब अगर मुस्लिम इलाके में मान लो बहुत ज्यादा मुस्लिम है तो हिंदू सोचेंगे हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, और हिंदू बाहुल्य इलाके में मुस्लिम सोचेंगे हमें कुछ ना प्रॉब्लम हो जाए। तो ये जानबूझ के लड़ाई लगवाई गई थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इन चीजों से आपस में भिड़ जाए, और इसका फायदा किसको होगा? अंग्रेजों को होगा। तो ये फूट डालो और राज करो वाली नीति थी एक तरह से अंग्रेजों की, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाओ और अपना फायदा उठाओ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो जॉर्ज पंचम भारत आए थे। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम भारत आए थे, याद रखना। और यही वो 1911 है जब दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था, और 1912 तक दिल्ली भारत, जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली ट्रांसफर भी कर ली गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम्स में रेपिटेटिव फॉर्म में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था? बात रद्द होने की हो तो आप लॉर्ड हॉर्डिंग टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? लॉर्ड हॉर्डिंग को टिक करेंगे। और कब रद्द हुआ था? 2000 लिख रहा हूं तो 1911 में। कब रद्द हुआ था? 1911 में। मैंने आपको बताया था कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, और 1911 में लॉर्ड होर्डिंग ने इसको रद्द कर दिया था। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 12 है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? तो ये वर्ष था सन 1915। कब था? 1915। एग्जैक्ट डेट मैं बता दूं तो 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, और प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका संबंध सीधा सीधा सूरत अधिवेशन से है। किस अधिवेशन से? सूरत अधिवेशन से इसका संबंध है, और ये दोनों ही प्रश्न आपको एक साथ याद रखने चाहिए। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, ये वो अधिवेशन है जिसमें नरम दल और गर्म दल आपस में अलग हो गए थे, लेकिन ये जो लखनऊ अधिवेशन इसमें ये फिर से एक हो गए थे, है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ये लखनऊ अधिवेशन सन 1916 में हुआ था, ध्यान रखिए
देखिएगा 1907 में अलग हुए थे और 1916 में फिर से एक हो गए थे। वो सूरत अधिवेशन था जिसमें अलग हुए थे, ये लखनऊ अधिवेशन था जिसमें एक हो गए थे। 1907 में जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, रास बिहारी घोष ने की थी, और लखनऊ वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एकदम आपकी नस नस में क्वेश्चंस बस जाने चाहिए, फिर देखिए कैसे एग्जाम आपका क्रैक होता है। कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, अभी तो मैंने आपको बताया अंबिका चरण मजूमदार। प्रश्न नंबर 15 है, 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। सन भी याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि होम रूल लीग कब शुरू हुआ था, तो 1916 की बात है। अब अगला प्रश्न इससे ही रिलेटेड बनेगा कि भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है। आप सीधा बताओगे आयरलैंड से ली गई। कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। और आयरलैंड को देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा क्लिक करती है, और जब भी मैं पढ़ा रहा हूं आप ये चीज हमेशा देखोगे, मैं आईडी के ऊपर पहुंच जाता हूं। किसके ऊपर पहुंच जाता हूं, आईडी के ऊपर पहुंच जाता हूं। आप कहोगे सर आईडी आईडी क्या है, आप क्या कहां पहुंच रहे हो, सही सही बताओ ना क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूं आयरलैंड से डीपीएसपी का सिद्धांत हमारे संविधान के अंदर लिया गया था, यानी जो नीति निदेशक तत्व तो हैं वो कहां से लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए थे। मैं जब भी आयरलैंड को देखता हूं मुझे याद आ जाता है, क्योंकि मैंने याद रखा है आईडी, आई फॉर होता है आयरलैंड और डी फॉर होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमेशा याद रखो। और मैं बताऊं ये प्रश्न अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें जीके में पूछा गया था 6-8 वाले एग्जाम, यही प्रश्न पूछा गया था कि आयरलैंड से संविधान की कौन सी चीज ली गई है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई है। प्रश्न नंबर 17 है, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपको याद रखना है ये थी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट, और इन्होंने 1917 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तब आप एनी बेसेंट मत बताना, तब आप बताना सरोजनी नायडू। क्या बताओगे, सरोजनी नायडू। आगे मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने किस वर्ष कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अभी तो बताया 1917 की बात है जब एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उस सन था सन 1917। प्रश्न नंबर 19 है, रॉलेट एक्ट किस, जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा गया था, किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट सन 1919 की बात है, इसे बिना अपील बिना दलील बिना वकील का कानून कहते थे। ये था क्या, देखिए आंदोलनकारी देश को आजाद कराने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार आंदोलन करते जा रहे थे, और ये ग्राफ ऊपर जा रहा था आंदोलन का। अंग्रेज इस चीज से बहुत ज्यादा घबरा गए, तो अंग्रेजों ने कहा एक ऐसा कानून लाओ जिससे जहां भी कोई भी आंदोलनकारी मिले उसको उठाओ और उठा के सीधा जेल में बंद कर दो। तो ये जो कानून चलाया ये अंग्रेजों ने चलाया, और इसी के अंतर्गत, इसी के कारण ही आप बोल सकते हैं जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो अभी मैं इसके बारे में भी आगे चर्चा करता हूं। अगला प्रश्न है, किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। ये प्रश्न ऐसा है जो थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। इन्होंने वर्ष 1907 में एक सम्मेलन हुआ था जर्मनी के स्टुटगार्ड में, कहां, जर्मनी के स्टुटगार्ड में एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर इन्होंने भारतीय तिरंगे को फहराया था। तो ये चीज याद रखिएगा, मैडम जी रुस्तम कामा, इनका नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय तिरंगे को फहराया था। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न भर 21 है, किस वर्ष जलियांवाला बाग कांड हुआ था। 13 अप्रैल सन 1919 कहां गया, हाँ ऑप्शन नंबर डी, 13 अप्रैल सन 1919 की बात है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मैंने आपको रॉलेट एक्ट के बारे में बताया था, उसी के अंतर्गत सतपाल मलिक, क्या सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, किसको, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये बात सभी भारतीयों को बड़ी नागवारा गुजरी, और उन्होंने इनकी रिहाई के पर्पस से, ठीक है, एक सभा बुलाई थी पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और ये काफी शांतिपूर्ण सभा थी, सभी लोग शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। लेकिन इस सभा की जानकारी मिल गई जनरल डायर को, और उसने क्या किया, आदेश दे दिया कि इस निहत्थी जनता पर
फायर कर दो, ठीक है, एकदम गोलियां बरसा दी और इसमें कई सारे लोग मारे गए थे। हालांकि रिपोर्ट अगर आप देखोगे ऑफिशियल तो उसमें बहुत कम लोगों का जिक्र होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और ये दुखद घटना ही जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। इन्हें अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या? अली ब्रदर्स या अली बंधु बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा भी मिल जाए ना तो बिल्कुल परेशान मत होना, लगा देना, ठीक है। शौकत अली और मोहम्मद अली, था क्या ये खिलाफत आंदोलन? देखिए, तुर्की में अंग्रेजों ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। खलीफा का पद भारत ही नहीं पूरी दुनिया के मुस्लिम्स के लिए काफी सम्मानी था, और जब ये तुर्की के खलीफा का पद अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया तो ये चीज इसका विरोध भारत में भी किया गया, और इसीलिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। और इस खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, तो ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में आता है प्रश्न। 1919 में हंटर कमेटी का गठन क्यों हुआ था? अब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग कांड में गोलियां चलवाई थी, तो उसकी जांच करने के लिए ही जलियांवाला बाग मतलब ये जो हंटर कमेटी है इसका गठन किया गया था। तो जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए ही हंटर कमेटी का गठन किया गया था 1919 में। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? अभी तो मैंने आपको बताया शौकत अली और मोहम्मद अली या अली ब्रदर्स, आपको ऑप्शन में मिल जाए तो टिक मार देना। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो ये वर्ष था सन 1920 को गांधी जी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, और गांधी जी ने सभी भारतीयों से अपील की थी कि कोई भी अंग्रेजों का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करेगा। गांधी जी के विषय में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका में। इनके गुरु थे जी के गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, राजनीतिक गुरु थे। और गांधी जी के गुरु ने कहा कि आप आ तो गए हो भारत, लेकिन अभी कुछ बोलना नहीं, सिर्फ एक साल बैठो, आराम से रिव्यू करो, पूरे देश को घूमो, देखो क्या क्या समस्याएं हैं, उनसे कैसे निपटना है, सारी योजना बनाओ, लेकिन एक साल तक कुछ बोलो नहीं। तो गांधी जी ने 1916 में कोई भी आंदोलन नहीं किया था, लेकिन फिर 1917 आया तब गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था, और ये गांधी जी का पहला आंदोलन था। कौन सा? चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन था, जो तिनकटिया पद्धति के विरोध में था, ठीक है। फिर 1918 आया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाया, फिर 1918 में ही गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन भी चलाया था। तो ये सारे आंदोलन गांधी जी के रहते, लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आए कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, मतलब जो बड़े पैमाने पर चलाया गया था, या देशव्यापी आंदोलन कौन सा था, तो पहला देशव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन था, इसमें पूरे देश ने भाग लिया था। अब चंपारण में देखोगे तो गांधी जी ने चंपारण के किसानों के लिए चलाया, फिर आप देखोगे अहमदाबाद मिल मजदूर, तो मिल मजदूरों के लिए चलाया, लेकिन असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसमें पूरे देश ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये एक पूरा देशव्यापी आंदोलन था, तो यही असहयोग आंदोलन था। ये चीज याद रखना, बहुत पूछे जाते सारे प्रश्न, मैं आपको डिटेल में जाकर के अंदर घुस घुस के प्रश्न इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आना तो आप कर पाओ, और करना ही तो जरूरी है प्रश्नों को, वरना पढ़ना पढ़ तो बहुत सारे लोग रहे हैं, ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी सन 1922 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। देखिए, इसके तार जुड़े हैं असहयोग आंदोलन से, ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और कहा कि एकदम शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा। क्या? शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग असहयोग आंदोलन चलाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन अब अंग्रेज भी बहुत ही मतलब दुष्ट थे, उन्होंने कुछ क्रांतिकारियों को परेशान किया था, परेशान किया, क्रांतिकारियों ने कहा अच्छा रुको बताते हैं, तो उनको दौड़ा दिया अंग्रेजों को, और उनको उन्हीं की जेल में बंद कर दिया, उन्हीं के थाने में बंद कर दिया, और थाने में लगा दी आग। अब थाने में आग लगा दी तो बहुत सारे अंग्रेज जो भी इसमें थे सब जल के मर गए, ठीक है। तो इस चीज से अंग्रेज भी काफी ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने फिर कार्यवाही शुरू करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये थी घटना चौरी चौरा कांड, और ये यूपी के गोरखपुर में है चौरी चौरा। और जब 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड हो गया, घटना हो गई, यानी अहिंसा जो गांधी जी का वो पालन नहीं किया गया, हिंसा हो गई, तब गांधी जी ने 12 फरवरी सन 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बहुत पूछा जाता है कब वापस लिया? 12 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न लिए, प्रश्न नंबर 27, किस वर्ष गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? अभी तो बताया 12 फरवरी सन 1922 की बात है जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। प्रश्न नंबर 28 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न ले, प्रश्न नंबर 29 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी बताया है 1923 की बात है। गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है और मैं आपको बता दूं ये बीपीएससी का अभी 6-8 वाला जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। 9 दिसंबर की ही बात है, 9 दिसंबर 2023 को पूछा गया था, तो पूरा ही दे दिया था। क्या 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 मतलब कहाँ का था, किस सन था, पूरा पूरा। तो सन 1924 में गांधी जी ने कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, याद रखना। और अगर पूछा जाए गांधी जी ने अपना पहला भाषण कब दिया था, ये भी पूछा जाता है, तो आप बताना 1916 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी ना, उसी आयोजन के दौरान गांधी जी ने अपना पहला भाषण दिया था। ये सारे पॉइंट्स याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ ले एग्जाम में आप बता देना। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। कभी कभी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में सचिंद्र सान्याल दिया होता तो आप टिक मार देना। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। HRA का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। प्रश्न नंबर 32 है, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1925 में। कब हुई थी? 1925 में हुई थी। एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको बताऊं तो ये था 9 अगस्त सन 1925। क्या थी ये काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना? देखिए, इसको पहले काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी दरअसल कहां है? ये यूपी के लखनऊ में एक प्लेस है, वही की बात है। हुआ ये था कि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा अंग्रेज अगर हमें ईंट से मारते हैं तो उनका जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत होगी और हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होगी, तो पैसे कहां से लाए जाएं? तो उसी वक्त की बात है, अंग्रेज हमारा पैसा यानी भारतीयों का पैसा ट्रेन के माध्यम से बाहर भेज रहे थे, ठीक है, ट्रेन के माध्यम से। तो क्रांतिकारियों ने सोचा क्यों ना, ये है तो हमारा ही पैसा, हम भारतीयों का है, लूट लेते हैं इसको। तो अंग्रेजों का ये जो पैसा ये ले जा रहे थे अंग्रेज लोग, इसको भारतीयों ने लूट लिया था और रुपए थे करीब 4600 रुपए, ठीक है, और ये 4600 रुपए लूट लिए और इसी की वजह से काफी सारा रायता फैल गया था और काफी सारे लोग पकड़े भी गए थे इसमें। तो ये चीज याद रखना, बस यही थी काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना, बस इतना याद रखिए, बढ़ जाते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर पहली मतलब महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताएंगे एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आप बताएंगे सरोजनी नायडू। क्या बताएंगे? सरोजनी नायडू। सन बता देना, सन 1925, और अधिवेशन कौन सा था? तो ये कानपुर का अधिवेशन था। सारे पॉइंट एकदम नस नस में बसा लीजिएगा। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भाई प्रश्न तो वही है ना, ठीक है, घुमा दिया प्रश्न को, ऐसे भी पूछा जाए तब भी तो जवाब एक ही होगा ना, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये वर्ष 1928 में भारत आया था। 1927 में इसकी नियुक्ति हुई थी, आई थिंक नवंबर 1927 था जब इंग्लैंड में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और ये 1928 में भारत आया था। लेकिन साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ था भारत में, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। था क्या साइमन गो बैक के नारे लगे क्यों, साइमन कमीशन क्या था? तो ये भारतीय राज व्यवस्था में कुछ सुधार के लिए आया था, लेकिन इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। भारतीयों ने इसी चीज का विरोध जताया कि भाई तुम हमारे यहां हमारी व्यवस्था में सुधार करने के लिए आ रहे हो और तुम्हारे में 7 सदस्य हैं और 7 के 7 अंग्रेज हैं, समस्या हमारी है, हमको पता है कि तुमको पता है, तो कैसे सुधार कर लोगे यार, हो एक नंबर के बेवकूफ आदमी। बस इसी चीज का हुआ विरोध कि इसमें भारतीय सदस्य क्यों नहीं है, होने चाहिए थे, और इसीलिए विरोध भी हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 36 है, किस क्रांतिकारी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हो गई थी? तो ये थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में हो गई थी। वर्ष 1928 में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ये एक किस्सा मतलब खेती से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड आंदोलन था। बारदोली कहाँ है? तो गुजरात में है, और गांधी जी ने ही वल्लभ भाई पटेल जी को भेजा था इस आंदोलन का नेतृत्व
करने के लिए ऐसा कहा जाता है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी बहुत अच्छे से इसका नेतृत्व किया था और ये सफल आंदोलन रहा था। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? जब वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया और सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया था, तो बारदोली की महिलाओं ने, किसने? बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी और इसीलिए हम आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेंगे, 1929 में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कहां की थी? ये हुई थी लाहौर में और ये 1929 की बात है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला अधिवेशन, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 40 है, किसने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने की थी। कहां की थी? ऑब्वियस ही बात है, साउथ अफ्रीका में की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी? तो ये साबरमती से की थी, गुजरात में साबरमती से शुरू की थी और ये दांडी तक की गांधी जी ने यात्रा की थी। इसे नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ में ही याद रखना होता है। तो 12 मार्च 1930 की बात है। कब की बात है? 12 मार्च 1930 की बात है। गांधी जी ने ये नमक सत्याग्रह शुरू किया था और ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था। साबरमती से गांधी जी ने शुरू किया था 12 मार्च 1930 को और दांडी पहुंचे थे गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को, यानी कुल मिलाकर के 24 दिन की यात्रा थी। पूरा याद रखो भाई, पूरा कहीं से भी पूछेगा कितने दिन की यात्रा थी, कब शुरू किया, कब खत्म किया, कहां से शुरू किया, कहां खत्म किया, सब कुछ पूछता है, हर एक पॉइंट एग्जाम में बन चुका है, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? जब गांधी जी ने साबरमती से नमक आश्रम, मतलब नमक सत्याग्रह शुरू किया था, तो इनके पास कुछ ही अनुयायी थे जो इनके पीछे चल रहे थे, लेकिन जब गांधी जी दांडी पहुंचे तो भाई साहब हजारों लोगों का हुजूम था गांधी जी के पास। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना यहां से एक नया आंदोलन शुरू करें, तो और यहीं से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये वर्ष था 1930। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब हुई थी? तो ये हुई थी 23 मार्च सन 1931 को। कब हुई थी? 23 मार्च सन 1931 को हुई थी और यही वो दुखद दिन था और इसीलिए हम लोग हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, 30 जनवरी को भी हम लोग मनाते हैं जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए, गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3, तो पहला वाला हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। दूसरा वाला हुआ था 1931 में और तीसरा वाला हुआ था 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यह बहुत पूछा जाता है। ये थे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था इसका? मैकडोनाल्ड। पूरा नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो याद रखना, बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च सन 1931 को। ये वाला प्रश्न अभी बीपीएससी के जो टीचर का एग्जाम था उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि 5 मार्च 1931 को कौन सा खास काम हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, वायसराय था इरविन। मैंने आपको बताया 1930 में पहला गोलमेज मिलन हुआ, लेकिन कांग्रेस से किसी ने भाग ही नहीं लिया भाई साहब, पार्टिसिपेट ही नहीं किया भाई। अंग्रेजों ने सोचा कि देखो, भारत को लीड कर रही है कांग्रेस, ठीक है, और कांग्रेस मतलब गांधी जी। अब गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हो गए अंग्रेज परेशान। पार्टिसिपेट गांधी ने क्यों किया, क्यों नहीं? गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया भाई साहब, अंग्रेजों की अवज्ञा करनी तो हम पार्टिसिपेट कैसे कर ले, ये बात थी। तो अब 1931 आया, दूसरा अधिवेशन होना था 1931 में। अंग्रेजों को पता था गांधी जी फिर नहीं जाएंगे, इन्होंने कहा गांधी जी से मांडवाली कर लो, मतलब गांधी जी के साथ समझौता करो। तो गांधी जी के पास गए कि भाई आप आइए सर जी, 1931 में गोलमेज सम्मेलन है, दूसरा वाला आप पार्टिसिपेट करो। गांधी जी ने अपनी कुछ शर्तें रख दी,
फिर क्या था, अंग्रेजों को माननी पड़ी, ठीक है। और फिर गांधी जी ने कहा ठीक है अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म करते हैं और चलते हैं। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, उसमें गांधी जी गए थे। तो ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को, ये किस रिलेट, किस रिगार्डिंग था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने की रिगार्डिंग था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, कौन सा, दूसरा वाला, कब हुआ था, सन 1931 की बात है। सारे पॉइंट याद रखो, जितना कहानी आपको याद होगी उतना अच्छे से आपको चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। किस वर्ष गांधी जी व बी आर अम्बेडकर के बीच पूना की अरवड़ा जेल में पूना पैक्ट हुआ था, तो पूना पैक्ट ये हुआ था 24 सितंबर सन 1932 की बात है, 24 सितंबर सन 1932 की बात है। ये याद रखना, डेट सहित याद रखना, क्योंकि डेट सहित ही एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी बीपीएससी टीचर के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था, 6 to 8 वाले एग्जाम में। हाँ मैं भाई इसलिए बता रहा हूँ, मैंने खुद भी वो एग्जाम दिया था तो इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आए हुए थे। अगला प्रश्न है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी, यह था कराची का अधिवेशन, कौन सा था, कराची का अधिवेशन 1931, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आप खुद ही देख लो। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 53 है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये भारत सरकार अधिनियम सन 1935 के द्वारा शुरू की गई थी। और इसके अंतर्गत आपको दो पॉइंट्स और स्पेशली याद रखना है, इस अधिनियम के द्वारा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, और इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोनों, इसलिए मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 54 है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी पूछता है हरिपुरा कहाँ है, बताओ, पता है आपको, नहीं पता मैं बता देता हूं यार, कोई परेशानी नहीं है, सारे प्रश्न बताऊंगा, जहां जहां से एग्जामिनर पूछ सकता है मैं वहां वहां से आपको प्रश्न बताता रहूंगा। और अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, कुछ मिलता जुलता, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की 1939 में किसने की थी, तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब आगे मैं यहां से बढ़ूंगा नहीं जब तक मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में समझा ना दूं, क्योंकि यहां से एक नहीं 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। आपने दो पढ़ लिए, आपने पहले हरिपुरा अधिवेशन पढ़ लिया 1938, फिर 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन पढ़ लिया, दोनों की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। लेकिन कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, ये काफी विवादों में घिर गया था, क्यों, क्योंकि त्रिपुरी अधिवेशन की जब इलेक्शन हुआ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन गांधी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे पट्टा भी सीतारमैया, कौन, पट्टा भी सीतारमैया, ठीक है, ये अध्यक्ष बने, पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने, लेकिन अध्यक्ष बन गए नेताजी। अब पर जब पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष हुए नहीं गए तो गांधी जी को बड़ा बुरा लगा और गांधी जी नेताजी से नाराज हो गए, लेकिन नेताजी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, गांधी जी को बहुत मानते थे नेताजी। अब गांधी जी नाराज हो गए तो नेताजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा बापू परेशान काहे हो, ठीक है हम छोड़ देते हैं, पद ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा हाँ गांधी जी आप बिल्कुल परेशान हो, हम हटे जा रहे हैं अध्यक्ष पद से, आप जिसको चाहो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो नेताजी ने अपना पद छोड़ दिया, लेकिन क्या पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने, जी नहीं। जब नेताजी ने अपना पद छोड़ दिया तो सर्वसम्मति से चुने गए राजेंद्र प्रसाद, कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। और ये जो पूरी घटना मैंने आपको सुनाई है, इसको त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सारे पॉइंट्स याद हो गए ना। अब अगर सीधा प्रश्न पूछ ले कि त्रिपुरी संकट के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था, आप बताना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56, 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन की जो अध्यक्षता की उसका पद तो छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा भैया अब हमारे रास्ते अलग, तो इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, किसने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक था, इसको बहुत सारे लोगों ने मान्यता नहीं दी, अंग्रेजों ने नहीं दी, गांधी जी ने भी नहीं दी थी, है ना, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। प्रश्न नंबर 57 है, किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग उठी, तो 1940 की बात है जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग उठाई थी।
प्रश्न नंबर 58 है, 1840 को जो अगस्त प्रस्ताव आया था तब वायसराय कौन था? तो अगस्त प्रस्ताव जब आया था तब वायसराय था लिन लिथगो, और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था तब भी वायसराय कौन था? लिन लिथगो। दोनों प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 59 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसके बारे में आगे बताऊंगा क्या है क्रिप्स मिशन। गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था? 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 61 है, शिमला सम्मेलन सभी राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन था, किस वर्ष हुआ था? तो ये 1945 की बात है। कब? 1945 की बात है जब ये शिमला सम्मेलन हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कि जब शिमला सम्मेलन हुआ था उस वक्त वायसराय कौन था? आप बता देना, वेवेल था। कौन था? वेवेल था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 1951 में किसने भूदान आंदोलन शुरू किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। देश हमारा आजाद हो चुका था लेकिन अब देश के सामने समस्या थी, आर्थिक समस्या, कैसे इससे निपटा जाए। लेकिन विनोबा भावे ने देखा कि एक जमीन का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हमारे देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जमींदारों के पास में है। तब विनोबा भावे ने जितने भी बड़े जिनके पास भूमि थी उनसे एक आग्रह किया कि अपनी अपनी भूमि को स्वेच्छा से दान करिए, ताकि जो छोटे छोटे किसान हैं हम उनको ये जमीनें दे सकें और वो भी कृषि कर सकें, अनाज उगा सके। इससे देश की भी तरक्की होगी और उनकी भी तरक्की होगी। और ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल आंदोलन रहा था, तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था। प्रश्न नंबर 63 है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, कहां हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, मैंने आपको बताया था। कहां हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कब की बात है? 28 दिसंबर सन 1885 की बात है। अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 64 है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताइए। आप हो गए कंफ्यूज, मुझको पता है 100% आप कंफ्यूज, आप सही जवाब देने में थोड़ा सा झिकझिक करोगे। चलो मैं बताता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। गलत कर दिया क्या? कोई बात नहीं, अब आप गलत नहीं करोगे एग्जाम में। मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। ध्यान से सुनो, अगर पूछा जाए कि ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचार था वो किसका था, तब आप बताओगे कि विचार गांधी जी का था। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तब आप बताओगे आचार्य विनोबा भावे थे। और अगर पूछा जाए कि दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप कहोगे सर इतने सारे प्रश्न कैसे ही पूछे जाते, सारे पूछे गए एग्जाम में, ठीक है, कुछ ऐसे नहीं बताते हैं, जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है उसी को पढ़ते हैं, उसी को हम आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि आप इतना ज्यादा डिटेल में जाके सर्च नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारा तो यही काम है, तो हम तो आपको बताते रहते हैं, आप पढ़ते रहिए और एग्जाम क्रैक करते रहिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक अखबार सन 1920 में शुरू किया था। प्रश्न नंबर 67 है, देश बंधु किसे कहा जाता था? अब देश बंधु और दीन बंधु, इन दो में ना भाई बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देश बंधु कहते हैं चितरंजन दास को। किसको कहते हैं? चितरंजन दास को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68, महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसको दी थी? अब देखिए, तो ये कहते हैं सीएफ एंड्रयूज को, गांधी जी के मित्र थे सीएफ एंड्रयूज। ध्यान दो, अगर देश बंधु पूछा जाए, देश बंधु ती तो अपने ही देश के आदमी है ना, तो चितरंजन दास, ठीक है। और सीएफ एंड्रयूज नाम से पता चल रहा है अंग्रेज, तो ये अपने देश की तो है नहीं, तो इनको बोलते हैं दीन बंधु। क्या बोलते हैं इनको? दीन बंधु बोला जाता है, समझ गए ना, ऐसे याद रख लो ताकि एग्जाम में आए तो कंफ्यूज तो ना हो। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन में धन की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने किताब लिखी थी, क्या? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या लिखी थी? इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब दादा भाई नौरोजी की है, और ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के जो घटनाक्रम थे वो आपको बताने हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, 1915 गांधी जी आए, 1916 में कुछ नहीं किया, 1917 में इन्होंने चलाया चंपारण आंदोलन,
कौन सा चलाया था, चंपारण आंदोलन, और 1918 में पहले इन्होंने चलाया अहमदाबाद, ठीक है, फिर इन्होंने 1918 में चलाया था खेड़ा आंदोलन, फिर 1920 में इन्होंने चलाया था असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। अब आप चेक कर लो तो 1917 में पहले चंपारण चलाया, ठीक, एक, फिर इन्होंने अहमदाबाद चलाया, दो, फिर इन्होंने खेड़ा चलाया, यानी ऑप्शन नंबर तीन आ जाएगा, फिर असहयोग आंदोलन चलाया था, चार, यानी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना, कितना आसान है, कर लोगे ना। अब देखो बहुत सारे लोग, अब 1918 में गांधी जी ने दो आंदोलन चलाए थे, अहमदाबाद और खेड़ा। अब कुछ लोग पहले खेड़ा लिख देते हैं फिर अहमदाबाद, कुछ लोग अहमदाबाद करते हैं खेड़ा। तो पहले अल्फाबेट में देखो, अल्फाबेट की जब आप लिखते हो एबीसीडी तो उसमें ए पहले आता है कि आपका अक्सर ए पहले आता है, तो अहमदाबाद वाला पहले चलाया था, खेड़ा वाला बाद में चलाया था। सिंपल सा लॉजिक है, याद रखना जरूरी है भैया, कभी कभी ट्रिक लगा लिया करो, क्योंकि इससे फायदा होता है, आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होते और नंबर आपके बच जाते हैं, बाकी लोग गलत करके आते और आप सही करके आप तो छाती ठोक के। तो ये होता है एकदम सही वाला जवाब। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? जयप्रकाश नारायण को ही लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, किसने 1894 यानी 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? गांधी जी ने की थी। किसने की थी? गांधी जी ने की थी। मदन मोहन मालवीय को किसने महामना की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि से सम्मानित किया था, इसीलिए हम लोग कहते हैं महामना मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 74 है, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? तो ये गांधी जी ने ही दी थी। किसने ही दी थी? गांधी जी ने दी थी। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कब हुआ था? 1925 का अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? कानपुर अधिवेशन था। याद है कि नहीं? भूल गए? भूलना नहीं है, भूलना दूंगा ही नहीं मैं आप लोगों को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ट्रिपल एम, क्या ट्रिपल एम? कब हुई थी स्थापना? 1916 में हुई थी। और मैंने आपको एक खास बात बताई थी, गांधी जी ने अपना प्रथम भाषण कब दिया था? आप बता देना, 1916 में दिया था, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी, जो समारोह था उद्घाटन समारोह, उसमें गांधी जी ने अपना प्रथम भाषण दिया था। सारे पॉइंट याद रखा करिए, एकदम है ना, रटे होने चाहिए, तब मजा आता है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसने 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो 1913 में हलाला हरदयाल और मोहन सिंह भकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। देखिए सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन दे देगा, भारत, अमेरिका, जापान, सिंगापुर। अब आपको ये ऐसा ऑप्शन दिया, भारत टिक मारो, भाई साहब हमारे देश का आंदोलन भारत में होगा? ना ना भैया, इसका जो सही ऑप्शन है वो यूएसए में हो जाएगा, अमेरिका में। तो अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। और कभी कभी, मतलब कभी कभी नहीं, 90% केसेस में बता दूं, ऑप्शन में आपको सिर्फ लाला हरदयाल ही दिया होता है, तो वही आप टिक मार देना। क्लियर है ना, कहां कहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, मैं आपको सब चीजें बता रहा हूं। लाइक कर दो यार, अगर नहीं किया हो तो लाइक करना जरूरी है, क्योंकि हम आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा भी परिश्रम नहीं करते लाइक करने के लिए, अपना अंगूठा थोड़ा सा हिला दीजिए, वो जो ब्लू कलर वाला बटन है इसको ब्लू कर दीजिए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष स्वदेशी आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था सन 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इसमें यह बताया गया था कि भाई सब लोग स्वदेशी चीजें अपनाओ, ये विदेशी आके अपना सारा सामान बेचते हैं और इससे हम भारतीयों को घाटा हो रहा है, और इसलिए क्या किया गया था, जितना विदेशी सामान था उसकी होली जलाई गई थी, विदेशी कपड़े तक जला दिए गए थे। तो ये 1905 में चला था। अगला प्रश्न है, 78 भारत छोड़ आंदोलन किस के समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई थी? इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, 1909 की बात है, ये मार्ले मिंटो एक्ट था, और अंग्रेजों ने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई लगवा दी थी। ये 1909 की बात है, मार्लेमेंटो एक्ट। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम में वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1919 में। कब की गई थी? 1919 में। और ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है।
अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 81। केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, और दो पॉइंट मैंने यहां पर बताए थे, आरबीआई की स्थापना और बर्मा को भारत से अलग किया गया था। प्रश्न नंबर 82 है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने आपको बताया था ना, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने सपोर्ट किया था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 83 है, भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया था? तो ये वर्ष था 1942। मैंने आपको बताया था ना क्रिप्स मिशन, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना, यही तो मैंने आपसे कहा था, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये वर्ष है सन 1939 जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजों ने मतलब कांग्रेस से कहा, या बोल सकते हैं गांधी जी से कहा, कि आप अपने भारतीय सैनिकों को विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भेजो। अब गांधी जी ने हम कहे भेजे, तो इन्होंने कहा आप भेजोगे तो हम लोग जीत जाएंगे, अब युद्ध जीत जाएंगे तो हम आपके देश को आजाद कर देंगे, हम आपके देश को आजाद कर देंगे। गांधी जी ने कहा अच्छा हमारे देश को आजाद कर दोगे, अब हम तुम्हारी बात मान लेंगे। नहीं ऐसे नहीं मानेंगे भाई साहब, कुछ नियम कानून धर्म होना चाहिए, तब अंग्रेज आप ऐसा करो एक संविधान सभा का निर्माण करो, ठीक है, गांधी जी ने ऐसा कहा। और फिर इसी रिगार्डिंग जो है ये क्रिप्स मिशन भेजा गया था, लेकिन फिलहाल के लिए अस्वीकार हो गया था। और उसी से रिलेटेड एक प्रश्न और मैं आपको बताता हूँ, गांधी जी ने एक टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्तावों के बारे में कहा था? अब जब अंग्रेजों ने कहा ठीक है हम आपके लिए संविधान सभा का निर्माण कर देंगे, अब जो कहो ठीक है, तो उसको लिए अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन भेजा। किसको भेजा? क्रिप्स मिशन को अंग्रेजों ने भेजा। और इसमें गांधी जी और पूरा जो सब लोग थे उन्होंने देखा, तो अंग्रेजों का ये कहना था कि जब हम जीत जाएंगे तब हम आपके देश को आजाद कर देंगे। और गांधी जी ने कहा अच्छा देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि तुम जीत जाओगे ये कोई जरूरी नहीं है, है ना, और मान लो जीत भी गए उसके बाद भी तुमने हमारे देश को आजाद नहीं किया तो, है ना, तो गांधी जी ने ये जो क्रिप्स मिशन भेजा था अंग्रेजों ने इसी को कहा था कि एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जो आप हमको दे रहे हो, इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं कि ये भुनेगा कि नहीं भुनेगा, ठीक है, यही था, बस याद रखो। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। प्रश्न नंबर 86 है, गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था? यह था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कब हुआ था? सन 1918 में हुआ था, और गांधी जी ने इसमें भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 87, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, कैबिनेट मिशन में तीन लोग आए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता मिली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। और इसके पहले मैंने एक प्रश्न और दिया था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आई थिंक वो जब शायद गांधी इरविन समझौता हुआ था तब मैंने पूछा था कि कौन थे, तब थे रैमजे मैकडोनाल्ड, लेकिन अभी है क्लीमेंट एटली। जब स्वतंत्रता भारत को मिली 1947 की बात हो रही है, प्रश्न ये वाला भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? तो पिंगली वेंकैया ने की थी। किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना की थी। अच्छा, ये हमारा जो भारतीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसको कब स्वीकृत किया गया था? तो ये है 22 जुलाई सन 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत किया गया था, ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 90 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? अरे अभी तो मैंने आपको बताया 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था, लेकिन कुछ प्रश्न मैं बना देता हूँ इसलिए क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, तो मान लीजिए क्वेश्चन नहीं बनाया है तो मेरे जो डेटाबेस में पड़ा है, दिमाग में पड़ा है, मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ ना पढ़ाते पढ़ाते कि मैंने कौन सा क्वेश्चन बनाया है, हालांकि क्वेश्चन मेरे बनाया हुआ था, इंपॉर्टेंट है इसलिए बनाया हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं, गांधी जी ने किसे आजाद शत्रु कहा था? तो पहले जो हमारे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें ही गांधी जी ने आजाद शत्रु की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 92 है, किसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार का। कौन? खान अब्दुल गफ्फार का। प्रश्न कई बार पूछा गया और यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था अभी 2023 वाले में ही। किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान है, लाला लाजपत राय को। प्रश्न नंबर 94 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन? अब ओल्ड मैन है तो कौन है? दादा होंगे, तो दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। प्रश्न नंबर 95 है, तीन गढ़िया
प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह सन 1917। क्या 1917 का चंपारण सत्याग्रह। तीन गठिया व्यवस्था क्या थी? देखिए अंग्रेज जो थे भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। अब नील से उनको होता था फायदा, लेकिन सारा फायदा वो खुद ही खाते थे। प्रॉब्लम ये थी, एक तो फाइनेंशियली भारतीय किसान प्रताड़ित हो रहे थे, दूसरी तरफ जहां नील की खेती कर दो वहां की उर्वरा शक्ति हो जाती थी कम, इसलिए किसान काफी विरोध कर रहे थे। और गांधी जी ने इसका समाधान किया, चंपारण सत्याग्रह चलाया था। चंपारण कहां है? बिहार में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था, तभी इसको बॉम्बे बोलते थे। 1885 की बात है। कब की बात है? 1885। अध्यक्ष थे WC बनर्जी। सारे पॉइंट याद रखिए, एकदम रटे होने चाहिए। प्रश्न नंबर 97, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइस राय कौन था? उस वक्त वाइस राय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। यह 1885 की बात कर रहे हैं जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 98 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और अगर प्रथम यंगेस्ट यानी सबसे कम उम्र के अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आप बता देना अबुल कलाम आजाद थे। अगला प्रश्न लेते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, जबकि गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 100, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? मैंने आपको बताया था प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने भारतीय तिरंगे को फहराया था, भीकाजी रुस्तम कामा, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, और इन्हें ही भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक प्रश्न बोनस है जो कि आपको दे करके जा रहा हूं, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1938 हुआ था, इसमें ये कहाँ है, मतलब किस राज्य में है, ये जो क्या नाम है इसका, हरिपुरा। हाँ हरिपुरा है, ये है कहाँ पे? तो दरअसल हरिपुरा है गुजरात में, ठीक है। और जो त्रिपुरी अधिवेशन था, आई थिंक मैंने वो बताया नहीं था आपको, बता देता हूँ, दोनों ही पूछे जाते हैं। त्रिपुरी जो 1939 में हुआ था, त्रिपुरी संकट वाला त्रिपुरी, और ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। दोनों ही प्रश्न पूछे गए। अब आप एक जवाब हमको दीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वो जवाब ये है, मतलब सवाल ये है कि आप बताइएगा जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था तो वो कब वापस लिया था? ऑप्शन में नहीं देने वाला, आप बताओ खुद ही, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कहना पड़ता है, आप लोग भूल जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।